जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कामरान, और मेरे पास एक और वैकेंसी आई है जो नादिक कंपनी की है। यहाँ की अच्छी कंपनी है ये, और सीवी सिलेक्शन और स्काइप इंटरव्यू है। तो इसमें दो तीन तरह के बंदे चाहिए। एक बहन सेल्समैन के बंदे चाहिए जिसकी अच्छी खासी क्वांटिटी उसे चाहिए, और इसकी जो सैलरी है 1500 प्लस 200 है। इसे आप इंडियन मनी में कैलकुलेट करके देख ले कितनी बनती है। और दूसरी जो इसमें एज लिमिट बताया गया है 22 साल से 35 साल के अंदर होने चाहिए बंदे। बंदे के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो गाड़ी को मेंटेन कर सकें और कस्टमर को अच्छे से माल डिलीवर कर सकें। देखिए इसमें जो काम होता है वो क्या होता है मैं बता दूँ आपको। आप वैन सेल्समैन में आएंगे, कंपनी आपको गाड़ी देगी। अब जिस दुकान की या जिस स्टोर पे जितने ऑर्डर होगी आपको वहाँ पे डिलीवर करना है, आपको वो बिल देंगे। एक बिल उन्हें देना है, एक बिल आपके पास रहेगी, वहाँ पे उसे स्टंप लेना है, फिर वहाँ से आप निकल जाएंगे। इस तरह के काम होते हैं। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सब आपको आनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से गाड़ी को कंडीशन में रख सकें। और इससे पहले कंपनी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देगी, कोई भी काम में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हो गया, मैंने आपको फर्स्ट बताया और इसकी सैलरी भी मैंने आपको बताई। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो ज़्यादा बेहतर है ना। आपको सीवी सिलेक्शन में आपको बता दिया जाएगा क्या क्या है नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये स्काइप इंटरव्यू आप उनसे पूछ सकते हैं, और आप जब एजेंट के पास जाएंगे तो उनसे और भी ज़्यादा बेहतर पूछ सकते हैं। मैं इस चैनल पे जानकारी और कुछ आती है वैकेंसी वगैरह तो उसके बारे में बताता हूँ, और ज़्यादा बेहतर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं खुद हूँ सऊदी अरबिया में, तो यहाँ पे जो बहन सेल्समैन का जो काम होता है वही काम होता है। जैसे मेरे ही स्टोर पे, जैसे मैं रेस्टोरेंट का स्टोर ही कहता हूँ, तो मेरे स्टोर पर मान लीजिए वो दूध लेकर आ रहे हैं, तो अब कितनी क्वान्टिटी में दूध है, वो दूध को डिलीवर किए हैं, वो गाड़ी से निकाल कर अंदर स्टोर तक लाएँ, उसके बाद उनके पास जो बिल है वो लाकर मैनेजर को दिए, वहाँ से वो स्टंप लिए, स्टंप लेने के बाद वो चले गए। तो ये सब काम, और आप उसमें बेहतर तरीके से पढ़ सकें कितना है नहीं है, एक्सपायरी डेट क्या है। और वो जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाता है। स्टोर कीपर का और काउंटर स्टाफ का सेम सैलरी है 1400 प्लस 200। आप भी इसे इंडियन मनी में कैलकुलेट कर लें। बंदे के पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश, और बोलने आन और समझने के भी कैपेसिटी होनी चाहिए थोड़ी। और बंदे के पास कैलकुलेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और गुड लुकिंग होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 22 साल से 30 साल के बंदे तक। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि बंदा कहीं भी सऊदी अरबिया में काम करने के लिए रेडी हो। और वीज़ा स्टैंपिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया कि एक हफ्ता लगेगा। एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। 9 घंटे की ड्यूटी है इसमें, और अदर बेनिफिट जो यहाँ के लॉ के हिसाब से जो बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये नादिक कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और लास्ट में ये बात रही कि इनके चार्ज क्या हैं, कितने जाने में लगेंगे, मेडिकल वगैरह क्या है, तो ये सब आपको एजेंट बता देंगे। पे आने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद हूँ तो यहाँ के बारे में मैं आपको बेहतर बता रहा हूँ कि आप अगर इंडिया से आते हैं तो इंडिया से आ सकते हैं, इस वजह से वैकेंसी निकल रही, ठीक है। और यहाँ पे आने की तरीका, आप भाया बहरीन होके आएंगे, लेकिन इस पर भी एक कंडीशन है कि आप बहरीन में भी 15 दिन क्वारंटाइन करेंगे, 14 दिन, और 14 दिन आपको सऊदी में भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये अगर आपको क्लाइंट नहीं बताए तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, 14 दिन आपको क्वारंटाइन बहरीन में करनी होगी और 14 दिन आपको क्वारंटाइन यहाँ करनी होगी। तो आप देख लें, अगर आपके हिसाब से बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो ही आप जाएँ और ट्राई करें। तो ये छोटा सा एक रिक्वायरमेंट था जो मैं आपको बता रहा था। फिर इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई अच्छी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं बताते रहूँगा इंशाल्लाह। इस तरह की रिक्वायरमेंट जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।